और फ्लारी भाषण दिया मगर फंडामेंटली कुछ नहीं किया। बड़ी अच्छी बजट है मैम, विमेंस के लिए भी दिया है। वेरी गुड, इट्स वेरी गुड फॉर विमेन, इट्स अ करेक्ट मेजर एंड दिस वाज रियली नीडेड इन दिस कंट्री बीइंग द बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो ये अच्छा बेनिफिट है। पूरे मार्क्स देती हैं आप? हाँ जी, 10/10। बजट प्रोग्रेसिव बजट है, लोअर मिडिल क्लास के लिए बेनिफिट्स हैं, देयर इज अ मिडिल क्लास, द प्रो पुअर बेनिफिट व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड, देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख वाले जिनकी आमदनी है, जिनकी 1 करोड़ रुपए आमदनी है, उनको आप राहत दे रहे हैं, पर जो टैक्स देने लायक नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है। क्या बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो नाटकबाजी, सर्कस में चलते ना, रस्सी पे चढ़ना, ना इधर झुको ना उधर झुको, मगर चलते जाओ। ये बजट जो पेश हुआ है 3 लाख से कम के लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत है, जो कि मजदूर आदमी हैं उनको भी बहुत अच्छा है, इस पे इम्प्रेस पड़ेगा। अच्छा लगा है कि बजट जो पेश किया उससे हम काफी संतुष्ट हैं, उसमें हमें इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है उससे मिडिल क्लास वालों को काफी फायदा हुआ है। बजट में जो हमें उम्मीद थी उससे अच्छा हमें बजट मिला है, हमें पता चला है कि 3 लाख से ऊपर ये 3 लाख का लिमिट कर दी गई है जिसमें कि टैक्स नहीं लगेगा। राजनीतिक के लिए भी वो चलने का भी वो उसका भी बढ़िया है कि उनको डाटा देना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें नहीं भी अच्छी लगती है। अभी टेक्सटाइल और डायमंड के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हम उसे अच्छा या बुरा क्या कहें। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए है, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उनको भी बेनिफिट करके गवर्नमेंट ने दिखाया है कि इफ आप ऑनेस्ट बनेंगे तो ज्यादा रेट घट सकता है। तो नेता से लेकर आम जनता का ये रिएक्शन है बजट पर। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज जवाब तो देना होगा मैं सवाल उस जवाब पर जो बजट पेश हुए बजट के बाद मिला है। आम आदमी जानना चाहता था कि मोदी सरकार जब नोटबंदी के बाद पहला बजट पेश करेगी तो उसके लिए उसमें क्या होगा। बजट पेश हुआ, जवाब भी मिला और अब सवाल ये कि क्या आम आदमी को वो मिला जो उसे चाहिए था। क्या सरकार ने लोक लुभावने वादे किए या बड़े रिफॉर्म्स की बात की? क्या चुनावों का असर भी दिखा बजट पर या सरकार ने एक साहसिक बजट पेश किया? इन सवालों पर जाएं, उससे पहले आपको आज के बजट की कुछ खास बातें बताते हैं और वो खास बातें क्या हैं? स्क्रीन पर अभी आपके आएगा कि किस तरीके से आज बजट में सबसे पहली बात आम आदमी ये जानना चाहता है कि उसको टैक्स में कितनी छूट मिली। तो सबसे पहले देखिए, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख की कमाई पर जो टैक्स 10% हुआ करता था उसे घटाकर 5% कर दिया गया है, यानी सबसे पहला फायदा यहां पर है। लेकिन साथ ही अगर छूट को भी आप मिला ले, जो 80C 80D के तहत आप छूट लेते हैं उसको भी अगर आप मिला दीजिए इसमें, तो 3 लाख तक की कमाई जो है वो बिना टैक्स के होगी, यानी उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद 50 लाख से ज्यादा की जो कमाई वाले हैं उन पर 10% और 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई वालों पर 15% का सरचार्ज लगाया गया है, ताकि जो यहां पर टैक्स नहीं दे रहे हैं सरकार को जो घाटा हो रहा है वो उनसे वसूला जा सके। इसके अलावा 50 करोड़ तक की कमाई वाली छोटी कंपनियों के लिए टैक्स 30% से घटाकर अब 25% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा ऐसी जो देश में कंपनियां उसमें से 96% इसके दायरे में आती हैं उनको फायदा मिलेगा। 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन पर रोक लगा दी गई है, जिसे ब्लैक मनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। राजनीतिक दल अब 2000 से ज्यादा कैश अनुदान नहीं ले पाएंगे। पहले ये सीमा जो है वो 20,000 रुपए की होती थी। इलेक्शन कमीशन ने यह सुझाव दिया था कि इसे 2,000 रुपए कीजिए और सरकार ने एक बोल्ड स्टेप उठाते हुए यह फैसला लिया है। इसके अलावा रेल किरायों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, किसी नए ट्रेन की घोषणा भी नहीं की गई है। IRCTC से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको ट्रांजेक्शन चार्ज या सर्विस चार्ज नहीं देना होगा, वहां आपको फायदा होगा। रेल सुरक्षा पर जोर दिया गया है, रेल संरक्षा कोष बनाया गया है जिसमें कि 5 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपया डाला जाएगा जो रेल की सुरक्षा के लिए होगा। सेना के लोगों के लिए क्या है, सेना के लोगों के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा दे दी गई है, तो वहां उनको फायदा पहुंचाया गया है। मूलभूत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए 3,96,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने की बात की गई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की बात की गई है। झारखंड और गुजरात में 2 एम्स खोलने का जिक्र किया गया है इस बजट में। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो कि आज तक का मनरेगा के क्षेत्र में सबसे बड़ा आवंटन है। किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मिशन मोड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की जाएगी ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके। मोबाइल और डेबिट कार्ड रहित लोगों के लिए आधार पे नाम का एक व्यवस्था की जाएगी, जिनके पास मोबाइल नहीं है या डेबिट कार्ड नहीं है वो
कैशलेस ट्रांजैक्शन इसके जरिए कर सकेंगे। 2018 तक देश के हर कोने में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्विस टैक्स में कोई इजाफा नहीं किया गया है। कुछ लोगों को लग रहा था कि जीएसटी लाने के लिए सर्विस टैक्स को बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। रक्षा के लिए 2,74,114 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। तो ये मोटे तौर पर जो अहम बातें हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं, और इसलिए अब कुछ सवाल आपके सामने जो इस बजट के बाद हैं। क्या आम आदमी को नोटबंदी में सहयोग का पूरा फायदा मिल गया है जितना उसको मिलना चाहिए था? क्या ये काले धन के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने वाला एक साहसिक यानी बोल्ड बजट है? और क्या रोजगार के मोदी सरकार के वादे को पूरा कर पाएगा ये बजट? ये कुछ सवाल हमारे सामने और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ हैं, एसपी शर्मा इकोनॉमिस्ट हैं वो हमारे साथ हैं, और कुछ देर में बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभय दुबे साहब, आपके हिसाब से बजट कितना अच्छा या खराब और क्या कमियां? देखिए सुशांत जी, जो सबसे बड़ी कमी सरकार में है, मोदी सरकार में, वो बजट के एलोकेशन में नहीं है, उसके डिलीवरेबल्स में है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि इस डीमोनेटाइजेशन के बाद जो डिमांड बढ़ाई जानी चाहिए थी, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए, एलोकेशन में वो दिखाई तो देता है, मगर हो क्या रहा है इसका एक छोटी सी बानगी देख लीजिए आप। जो जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसमें 4,454 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था, लेकिन खर्च हुए हैं ग्राउंड पर सिर्फ 1,357 करोड़ रुपए 15-16 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 1,498 करोड़ रुपए था, सिर्फ 500 करोड़ खर्च हुए। सॉइल हेल्थ कार्ड 96, सिर्फ 15 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो एग्रीकल्चर की जितनी स्कीम्स थी उसमें 49% से भी कम खर्च हुआ है। तो जब वास्तविकता के धरातल पर चीजें नहीं पहुंचेगी, और ऐसा नहीं कि एक स्किल डेवलपमेंट को उठाकर देख लीजिए, सर मुझे ये बताइए, क्या किसानों के लिए जो बजट है इसको खर्च करने की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की थी या राज्यों की भी थी अगर उनको पैसा दिया गया? बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपने किया। इसमें मैं वही प्रकाश डालना चाहता था कि आपने 1,87,000 करोड़ रुपए रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाया, लेकिन राज्यों का जो आपने शेयर है, आप देखिए 3,60,000 से 4,11,000 करोड़ रुपए। राज्य ये कह रहे हैं कि मैचिंग ग्रांट हमारे पास नहीं होती, इसलिए अनस्पेंट मनी होती, हम खर्च ही नहीं कर सकते आपकी स्कीम को, क्योंकि मोदी सरकार ने स्कीम का पैटर्न चेंज कर दिया है। सुशांत जी, ये बड़े परेशानी है। एक सरकार क्लेम कर रही मनरेगा को, वो गंभीर समस्या है, उस सिम्टम्स को समझ लीजिए, क्योंकि सेकंड राउंड ऑफ एनएसएस ये कहता है कि जो लेबर है वो कम थे और सेल्फ एम्प्लॉय ज्यादा थे। 15-16 में इसका बिल्कुल उल्टा हो गया है, वो कह रहा है कि लेबर्स जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया और लेबर्स बढ़ गए, तो आपकी मनरेगा की डिमांड इसलिए बढ़ गई, डिमोनेटाइजेशन के कारण भी डिमांड एकदम। तो मनरेगा का एलोकेशन भी तो बढ़ा है सर, 48,000 करोड़ रुपए जो आज तक नहीं था वो बढ़ा है। मुझे एक बात बताइए, इसीलिए ठीक है, तो सुशा जी मैं मुझे ये एक बात बताइए, क्या इस बजट में आपको काले धन से लड़ाई लड़ने को लेकर एक साहस दिखता है, चाहे वो 3 लाख रुपए से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन रोका गया हो या पॉलिटिकल फंडिंग को पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई हो? सुशांत जी, मैं आपके साथ पहले भी डिबेट में था और मैंने ये प्रश्न किया था कि एमबी शाह कमेटी ने, एसआईटी जो गठित हुई थी, इसकी रिकमेंडेशन थी कि आप 3 लाख से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करें, 15 लाख रुपए से कैश ऊपर रखते हैं, अगर कोई कंपनी भी रखती तो असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स से परमिशन लेकर के रखे। तो ये एसआईटी की रिकमेंडेशन इतने दिन बाद क्यों लागू की? ये अरे सर, इतने दिन बाद हो तो गई, सवाल ये है कि क्या उसके लागू होने से फायदा होगा या नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। और सरकार ने क्या उसे लागू करने का साहस दिखाया? नहीं, ठीक है, बिल्कुल ये अच्छी बात है, लेकिन एक 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 में प्रकाश और डालना चाहता हूं, 10 सेकंड दीजिए। प्रधानमंत्री ने अभी गर्भवती महिलाओं के लिए 31 दिसंबर को बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, मैं भी प्रसन्न था, क्योंकि वो फूड सिक्योरिटी एक्ट का प्रोविजन था 2013 का, वो कंपल्शन था, लेकिन क्या किया उसमें, सिर्फ 2,700 करोड़ रुपए रखे। 2,97,00,000 गर्भवती महिलाएं हैं, 18,000 करोड़ रुपए कम से कम उसमें चाहिए प्रधानमंत्री जी, सिर्फ दिखावा बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, आप एसपी शर्मा साहब हैं हमारे साथ, इकोनॉमिस्ट हैं। एसपी शर्मा साहब, आपको ये बजट कैसा दिखता है आम लोगों के हिसाब से, अगर तुलना करें पॉलिटिकल रिएक्शंस पे ना जाएं, आप बतौर इकोनॉमिस्ट इस बजट को कैसा मानते हैं?
देखिए, मैं इसको बैलेंस्ड बजट मानता हूं। मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता कि ये बहुत ही बिग बैंग रिफॉर्म्स बजट है, जो एक आम आदमी को और एक ग्रास रूट लेवल को फोकस रख के किया गया है। वो जाहिर है कि सीधे ही एक रूरल सेक्टर है जो उसको फोकस किया गया है, एमएसएमई सेक्टर को फोकस किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया गया है। तो ये सभी चीजें हमें ये दर्शा रही है कि बजट का फोकस जो है वो एक ग्राउंड लेवल पे है। बजट में बहुत ऊंची बातें भी नहीं की गई हैं और ये भी नहीं है कि कुछ किया भी नहीं गया है। बहुत सारी चीजें हुई हैं जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे परिणाम देंगी और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए ये अच्छा सहायक सिद्ध होंगे। सर, हमारे दर्शकों के लिए अगर आप तीन चार अच्छी बातें और तीन चार नेगेटिव बातें जो आपको इस बजट में दिख रही हैं बता सकते हैं। एमएसएमई जी, अच्छी बात इसमें यह है कि एक तो जो स्मॉल टैक्स पेयर है उसके लिए एक जो रियायत, चाहे वो छोटी सी रियायत है, वो एक अच्छी चीज है, उसे भी इकोनॉमी को अच्छा बूस्ट मिलेगा। और दूसरा, जो छोटे उद्योग है, जो एमएसएमई सेक्टर है, उसके लिए उन्होंने जो टैक्स में रियायत दी है तो वो एक अच्छा इकोनॉमी को बूस्ट अप देगा। और तीसरा, जो रूरल सेक्टर के लिए फंडिंग में इंक्रीज किया गया है, 25% का इंक्रीज जो है वो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट अप करेगा, क्योंकि ज्यादातर भाग जो है वो रूरल एरिया में रहता है। और अगर मैं इसमें यह देखूं कि कुछ जो चाहिए था वो नहीं हुआ, वो कॉरपोरेट सेक्टर में एक बहुत देर से एक ऐसी उम्मीद थी कि जो कॉरपोरेट टैक्स है वो 25% के आसपास आ जाएगा, जो इफेक्टिव टैक्स रेट अभी 30% से ऊपर है, उसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि बहुत सारे देशों में, दुनिया के 150 देशों से भी ज्यादा में, जो कॉरपोरेट इफेक्टिव टैक्स है वो 23% से भी कम है। तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वो नहीं हुआ है। पर और दूसरा, ये भी पूछे जो एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि 5 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं होगा, वो उम्मीद नहीं पूरी हो पाई है। ठीक है, मैं इस पर लौटूंगा कि क्या सरकार टैक्स स्लैब में और रियायत दे सकती थी। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या सर्विस टैक्स नहीं बढ़ाना, रेल किराया नहीं बढ़ाना, क्या ये भी आम जनता के पक्ष में देखा जाना चाहिए। इस पर हम लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बजट आ चुका है, उसकी कुछ खास बातें हमने आपको बताई हैं और ये आम आदमी के लिए कितनी राहत लेकर आया है इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए हैं, एसपी शर्मा जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं हमारे साथ बने हुए हैं। अभय जी, एक बात बताइए, क्या ये सर्विस टैक्स नहीं बढ़ना, ट्रेन के किरायों में इजाफा नहीं होना, ये भी एक तरीके से आम आदमी के पक्ष में माना जाए या यहां राहत दे सकती थी सरकार? नहीं, देखिए, सर्विस टैक्स पर तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि चूंकि जीएसटी आने वाला है इसलिए वो रिवीजन होगा, इसलिए हम उसको अभी छूने वाले नहीं हैं। और रेलवे के लिए आपको याद दिलाता हूं मैं कि अभी रेलवे मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था और कहा था कि हमको रेलवे सेफ्टी के लिए लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि सैम पित्रोदा और काकोड़कर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसमें कहा गया था कि जो टोटल हमारा रेल नेटवर्क है 65,000 किलोमीटर का, उसमें से 19,000 किलोमीटर का नेटवर्क ऐसा है जिसपे 80% ट्रैफिक है, तो उसके ट्रैक की रीस्ट्रेंथनिंग के लिए 25,000 ब्रिजेज ऐसे जो 100 साल से पुराने हो गए उनके लिए और सेफ्टी मेजर्स के लिए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस प्रपोजल को उस समय रिफ्यूज किया, अभी जरूर उन्होंने दिया है मगर काय बाकी आप अरेंज करें। अब रेलवे की हालत यह है, रेलवे ने रिप्लाई क्या दिया है आप जानते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास पहले ही पैसेंजर बड़ी मात्रा में कम हो गए, 15 लाख यात्री प्रतिदिन बैठना। सर, रेल संरक्षा कोष में 1 लाख करोड़ तो दिए गए ना, आप कह रहे हैं 1,20,000 करोड़ की जरूरत थी, 1,00,000 करोड़ रेल संरक्षा कोष बनाया गया। हाँ नहीं, ये रेलवे ने कहा था कि हम बाकी का पैसा अपनी तरफ से नहीं अभी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा सेस लगा दीजिए आप टिकट पर, तो रेलवे ने कहा कि यात्री कम हो रहे हैं और ऑपरेटिंग रेशो 110 हो गया है, मतलब रेलवे 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपये 10 पैसे पहले ही खर्च कर रहा है, बहुत घाटे में प्रभु जी ने रेलवे को डाल दिया है, ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। ठीक है, मुझे एक बात बताइए एसपी शर्मा साहब, हमारे दर्शकों के लिए दो बातें, एक तो क्लियर कीजिए कि जो ये 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स जो है वो 10% से घटाकर 5% किया गया है, इसमें जो सीनियर सिटीजन आते थे जिनको कि 3 लाख से टैक्स लगता था उसके ऊपर, क्या उनके लिए भी यही स्थिति रहेगी कि 3 लाख से ऊपर 5% लगेगा या वो भी 2.5 लाख के दायरे में आ जाएंगे, क्या होगा? और अगर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फंडिंग 2,000 रुपये कर दी गई है कैश लिमिट, तो क्या 2,000 रुपये जो है, माफ कीजिएगा, वो देकर लोग जो पिछले पहले काम चल रहा था वो चलता रहेगा क्या?
देखिए पहले तो सीनियर सिटीजन का जो इशू है उसके लिए उन्होंने कोई अलग से घोषणा नहीं की है, तो सीधे सी जाहिर सी बात है कि जो टैक्स प्रणाली है वो अब उनके लिए भी सेम हो गई है, क्योंकि उनके लिए उन्होंने कोई अलग से अनाउंसमेंट नहीं की है। और दूसरा जो 2000 रुपए की पॉलिटिकल फंडिंग की बात है, उसके लिए सीधा उसको ट्रांसपेरेंसी में लाने के लिए किया गया है कि 2000 रुपए से ज्यादा जो भी जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो नहीं हो सकती, एक इंडिविजुअल जो है 2000 रुपए ही दे सकता है, और वो भी जो उसका ट्रांसफर होगा वो डिजिटल। और उसमें शर्मा जी मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। ब्रेक, बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता और एसपी शर्मा इकोनॉमिस्ट बने हुए हैं। शर्मा साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले समझा रहे थे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो फंडिंग है अब वो कैप लगा दिया गया है, 2000 रुपए से ज्यादा कैश में नहीं ले सकते, तो इससे किस तरीके से रोक लगेगी काले धन पर, या जो फंडिंग है वो पारदर्शी हो पाएगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि फिर 2000 रुपए करके लोग जो है वो चंदा दे दिया करेंगे। देखिए लूपहोल्स तो हर एक सिस्टम में रहते हैं, और मैं समझता हूं कि लेकिन उसका एक प्रोविजन तो होना चाहिए, तो सरकार ने उसका एक प्रोविजन बनाया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों को उसका लूप होल ढूंढने में 2000 रुपए करके उनको अलग अलग करके दे देंगे वो एक अलग बात है। वो वैसे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी लोगों ने अपना जो पैसा अलग अलग अकाउंट्स में जमा किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से एक मूव होना चाहिए और हमें उस मूव को एक्सेप्ट करना चाहिए और एक सिस्टम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर एक सिस्टम भी हो जाता है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, लोगों को एक समझ आ जाती है कि ये चीज गलत है। जी अभय दुबे साहब, क्या सरकार ने जो ये 2000 रुपए का कैप लगाया है, क्या इसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता था अगर वाकई सरकार गंभीर थी पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को पारदर्शी बनाने को लेकर? नहीं, देखिए अब जो देश के नागरिकों की अपेक्षा है वो राजनीतिक शुचिता की है। अब राजनीतिक दलों को पूरी पारदर्शी तरीके से अपना अकाउंट्स रखना होगा, तो आने वाले समय में आज बिल्कुल ये स्वागत योग्य कदम है कि 2000 रुपए किया गया। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश भी थी और हमने तो डिबेट में कहा भी कि आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमीशन को अधिकार है, वो खुद भी इसको लागू कर सकता है। अब देखना यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने जैसे आप देखिए सबसे ज्यादा चंदा इस बार भारतीय जनता पार्टी को 782 करोड़ रुपए मिला है, ठीक है, उसपे उनका 70 मैं माफ चाहूंगा आपको रोक रहा हूं हमारे साथ।